हेलो दोस्तों, बैक टू बैक विन मैच के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है ज्ञानकोश पर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी तक हमारा प्रेडिक्शन 100% सही रहा है। कई लोगों का कल कमेंट भी आया था कि किंग्स इलेवन पंजाब विन होगी, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन दिल्ली था और दिल्ली ही विन हुई। आज हम बात करेंगे IPL 2020 के थर्ड मैच की, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। हम आपको बताएंगे क्या रहेगी आज की प्लेइंग 11, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट और कौन जीतेगा इस मैच को 100% करेक्ट प्रेडिक्शन के साथ। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें RCB की टीम को सिर्फ 6 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि हैदराबाद की टीम 8 मैचों में जीत हासिल कर चुकी है। एक मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 की, तो हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे धुआंधार बल्लेबाज एरोन फिंच और उनके साथ नज़र आएंगे पार्थिव पटेल या देवदत्त पाडिकल, और नंबर 3 पर नज़र आएंगे खुद कप्तान विराट कोहली, जबकि नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगे AB डिविलियर्स। बात की जाए अगर RCB के टॉप ऑर्डर की तो यह हमेशा से ही मजबूत रहा है, लेकिन इस बार एरोन फिंच के आने से ये मजबूती और भी बढ़ गई है। अब बात की जाए मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की तो हमें खेलते हुए दिखेंगे गुरकीरत सिंह मान, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और क्रिस मॉरिस, जो कि इस टीम की बैटिंग लाइनअप को काफ़ी मजबूती देंगे। इस बार रॉयल चैलेंजर्स की बॉलिंग लाइनअप भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। इसमें मौजूद हैं डेल स्टेन, नवदीप सैनी और स्पिनर युजवेंद्र चहल। हर साल की तरह इस साल भी RCB सभी की फेवरेट टीम बनी हुई है, लेकिन क्या RCB इस मैच को जीत पाएगी? इससे पहले हम जानेंगे कि क्या है सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11। बात की जाए अगर ओपनर्स की तो धुआंधार ओपनर जॉनी बेस्ट्रो और टीम के कप्तान डेविड वार्नर, जो किसी भी टीम के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 3 पर नज़र आएंगे मनीष पांडे और नंबर 4 पर विराट सिंह, जो काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। अब बात करें टीम के मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की तो उसमें मौजूद हैं विजय शंकर, अब्दुल समद जो पहली बार IPL का मुकाबला खेलेंगे, मोहम्मद नबी और राशिद खान। अगर बात की जाए हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप की तो वह पहले से ही काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजों से लैस है, जिसमें मौजूद है भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल। बात की जाए ग्राउंड रिपोर्ट की तो यह मैच उसी मैदान पर खेला जाएगा जिस पर IPL 2020 का मैच खेला गया है। यहाँ की पिच बॉलिंग और बैटिंग दोनों के फेवर में रहती है। पिच में हल्की सी घास देखने को मिली है, जिससे फास्ट बॉलर को काफ़ी मदद मिली। रिकॉर्ड्स की बात करें तो UAE में RCB का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है, जबकि टीम की बात करें तो हैदराबाद की टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। अब तक बात की हमने प्लेइंग 11 और ग्राउंड रिपोर्ट की। बात की जाए अगर हमारे प्रेडिक्शन की तो हमारा आज का प्रेडिक्शन ये कहता है कि 80% चांस हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीतेगी और 20% चांस हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगी। अगर आपको 100% करेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में शाम को 6 बजे कौन सी टीम जीतेगी इसकी 100% करेक्ट रिपोर्ट मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञानकोश और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।